इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भारत रे सबु किछि संभव गरीबों उन्नति सरकार मूल लक्ष्य देशर अर्थनीतिर विकास और रोजगार क्षमता वृद्धि दिगरे प्रस्तुत सरकार जहां समस्तों पाखरे पहुंची थाए ताहा ही प्रकृत विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार उत्तर प्रदेश गोरखपुर ठारे 96,000 कोटी टंकार परियोजनार शुभारंभ करिछन्ति। अनेक वर्ष धरी बंद रही सार कारखाना उद्घाटन करने अवसर रे यहा उत्तर प्रदेश वासी एक बड़ा उपहार बोली कहिथिले प्रधानमंत्री। एही प्लांट कृषि आवश्यकता को पूरण करने सहित राज्यर अर्थनीति को उन्नत कर और रोजगार क्षमता को बढ़ावे साहय कर। गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60,00,000 टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। राज्य रे डबल इंजन सरकार रहिले राज्य रो उन्नति डबल होई परिबो। सरकार गरीबों उन्नति पाई सब बड़े मनरु चिंता करी आसुछंती। पूर्व सरकार का समय रे यूरिया पाई चासी मानन को अनेक असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुथिला, किंतु वर्तमान सरकार का प्रकृष्ट पदक्षेप हेतु यूरिया रो उत्पादन बढ़ी पारिछि। भारत को हजारों करोड़ रुपये विदेश नहीं भेजने होंगे, भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। एही अवसर रे विरोधी समाजवादी पार्टी को टारगेट करिछंती प्रधानमंत्री। केवल शासन पई लालायित थिबा पूर्व सरकार हेउछंती उत्तर प्रदेश पई रेड अलर्ट। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। यही अवसर रे प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी बेन और अन्य माने उपस्थित रही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।